हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत संता चैनल में। आज अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी जालीदार ढोकला की रेसिपी, जो खाने बहुत ही टेस्टी है। इस ढोकला को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सबसे खास बात इस रेसिपी की यह है कि आप इस ढोकले को बना के बिना तड़के के भी खा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं ढोकला हम कैसे बनाते हैं, वो भी एकदम कम समय में। तो 2 कप के लगभग हमने बेसन ले लिया है। बेसन को हमने छान के लिया है। 2 चम्मच सूजी ले लेंगे। आप चाहे तो सूजी को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बेसन से ढोकला बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 चम्मच सूजी भी डाल दिया है बेसन में। टेस्ट के हिसाब से हमने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दिया है, यानी शुगर पाउडर। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। घी या बटर का यूज नहीं करना है। ऑयल डालकर अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लीजिए। तो ऑयल को हमने बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। पिंच भर के लगभग यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर ले लिया है। हल्दी में 1 चम्मच पानी डालकर हल्दी का हम घोल बना लेंगे और हल्दी घोल को हम बेसन में डाल देंगे। हल्दी डालना ऑप्शनल है। हल्दी डालने से ढोकला का कलर अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का एक चिकना गाढ़ा घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। लेकिन पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालिए, एक ही बार पानी नहीं डालिए, नहीं तो घोल आपका पतला हो जाएगा। और ढोकला का घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो बेसन को हमने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया। यहाँ पे बेसन का कलर चेंज हो चुका है, अब बेसन में चिकनापन आ गया है, यानी इससे ज़्यादा हमें बेसन को नहीं फेंटना है। बेसन को फेंटने के बाद 1 चम्मच हमने ईनो डाल दिया है। ईनो के ऊपर हमने 1.5 चम्मच पानी डाल दिया है। अब पानी डालकर एक ही तरफ एक ही दिशा में आपको ईनो को मिक्स कर लेना है। आपको चारों तरफ से बेसन को नहीं चलाना है, एक ही तरफ चलाना है। जब आप ईनो डालें तो आप ईनो को डालकर एक ही तरफ चम्मच को चलाइए। यहाँ पे हमने स्टील का बाउल ले लिया है। स्टील को बाउल को हमने तेल से ग्रीस कर लिया है। और जो ढोकला का घोल है उसे भी बाउल में डाल देंगे। और ढोकला के घोल को आपको आधा ही रखना है, ऊपर तक नहीं रखना है। घोल डालकर हमने चारों तरफ से इस तरह से हाथ से हमने सेट कर लिया है। गैस जला के हमने इडली कुकर रख दिया है। इडली कुकर में हमने 1.5 कप के लगभग हमने पानी डाल दिया है। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, पानी आपको थोड़ा ही रखना है। पानी डालकर हमने ऊपर से जाली रख दिया है। फिर हमने ढोकला वाले बाउल को रख कर इडली कुकर को हमने ढक दिया। गैस को हमने मीडियम कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए, कि ढोकला जो अच्छी तरह से हमारी पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इडली कुकर का हमने ढक्कन हटा दिया है। 2 स्टिक की सहायता से हम चेक कर ले रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हमारी ढोकला पक चुकी है। अगर आपकी ढोकला कच्ची रहेगी तो 2 स्टिक में लग जाएगी। तो ढोकला वाले बाउल को हमने इडली कुकर से निकाल कर ठंडा कर लिया है और ढोकला ने अपना किनारा छोड़ दिया है, यानी ढोकला अच्छी तरह से हमारी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब ढोकला को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना, जब आप ढोकला बनाएं तो ढोकला को जिस बर्तन में आप डालें उस ढोकले के घोल को ऊपर तक नहीं रखना है, उसे आधा ही रखिए, क्योंकि ढोकला बनने के बाद ऊपर तक घोलती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ढोकला के घोल को आपको आधा ही रखना है। ये देखिए हम आपको हाथ में लेके दिखा रहे ढोकला हमारी कैसी स्पंजी सॉफ्ट बनी है। तो आप हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना तड़के के भी खा सकते हैं। गैस चला के पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल है। 1/2 चम्मच राई डाल दिया है। 3 से 4 हरी मिर्च थी, हरी मिर्च को हमने मीडियम साइज में कट करके डाल दिया है। तो मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। 10 से 12 करी पत्ते थे, करी पत्ता को भी डाल दिया है। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दिया है। 1 नींबू का रस था, नींबू के रस को भी हमने डाल दिया है। नींबू का रस डालने के बाद यहाँ पर हम 1/2 कप के लगभग पानी डाल देंगे। पानी डालकर गैस को तेज कर दिया। टेस्ट के हिसाब से हमने नमक भी डाल दिया है। गैस को हमने बंद कर दिया। तड़के को हम ढोकला के ऊपर डाल देंगे।
इस तरीके से आप ढोकले के ऊपर तड़के को डाल दीजिए। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे हमारे ढोकला एकदम स्पंजी जालीदार बन के तैयार है। तो आप इस ढोकले को जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा। 10 से 12 मिनट में आपका ढोकला बन के तैयार हो जाता है। हम आपको कट करके दिखा रहे हैं, देखिए आराम से कट भी हो गई है और जालीदार एकदम स्पंजी बनी है। तो आप इस ढोकले को बनाइएगा, ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगी है, खाने में आपको अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पाए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।